हाँ जी सत श्री अकाल। पहला तो सारयां नूं जो बहुत ही लंबे टाइम तो वेट कर रहे सी, दो सालां तो 1 जून 2020 तो वेट कर रहे हैं कि साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा कदों ओपन होगा एंड कदों असी अप्लाई करांगे। बहुत ही चंगा मौका थोड़े लिए आ चुका है। लेटेस्ट अपडेट है बिल्कुल साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़े के बारे। मैं लाइव भी थोड़ा अपनी जो अटैचमेंट है शो कर दूंगा। 1 जून तुसीं अप्लाई कर सकते हो अपना शॉर्ट टर्म वीज़ा, जो कि अंबैसी की साइट के उपर इन्होंने मैनशन किया हुआ है। जे तुसीं साउथ कोरिया दे विच जाना चाहते हो कि डाक्यूमेंट्स लगते हैं, किहड़े परसन एलीजिबल ने, किहड़े परसन नहीं एलीजिबल, अपनी प्रोफाइल दसो। जे तुहाडी प्रोफाइल नहीं दैन तुसीं उसनूं स्ट्रोंग करो, ITR फिल करो, बैंक बैलेंस नूं मेंटेन करो, कदे भी जल्दबाजी दे विच वीज़ा ना अप्लाई करो। जो परसन जल्दबाजी विच अप्लाई करनगे, चलो जी वीज़ा ओपन हो गया, चलो अप्लाई करिए, चलो वीज़ा अज, वीज़ा नहीं आना, वीज़ा अंबैसी ने देना है। सब तो दूजी चीज़ यह है कि इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लीयर कही है कि जिन्हों एक प्रोपर लगता है कि वैलिड भी वाकई ही इन्होंने जाना, वाकई ही रीज़न है, जां वाकई कोई एमरजेंसी, जां कोई फ्रेंड जां रैलेटिव जां विजिटिंग अदर सम परपस दे लई जाना है, दैन तुहानूं वीज़ा मिलेगा। जे कोई परसन फ्रैश पासपोर्ट ते ये गल कह दूगा कि मैं साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है कि मेरा वीज़ा मिल जूगा, जां तुसीं डाकूमेंट्स लगा दो, प्लीज़ वह परसन साढ़े नाल कॉन्टैक्ट ना करना, क्योंकि असी कोई डाकूमेंट्स अपने को नहीं लगावांगे। जो थोड़े ओरिजिनल डाकूमेंट ने उस दे अकॉर्डिंग ही लगेगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन दे विच मैंशन है, तुसीं मैनूं व्हाट्सएप ते किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, साउथ कोरिया के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई इनफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तुसीं साढ़े नाल किसी भी टाइम संपर्क कर सकते हो। सत श्री अकाल जी।